कि इस कर्म काल के लिए यह पर्व मान्य है। 31 अक्टूबर को तो जो प्रदोष काल है, जो कर्म काल है, इस समय पूर्णतः अमावस्या व्याप्त है। अगर 1 नवंबर को रविवार है तो आप जन्मदिन 1 को मनाएंगे, 31 को मनाएंगे। गणित का और धर्म शास्त्र का ज्ञान नहीं है, वो बीच में आजकल सोशल मीडिया में बातें चल रही है उससे है। अतीता नागते दाले कान होम जो पुता गीतम ऊषरे वापितम बीजम तद भवितम निष्फलम। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दीपावली का पर्व नजदीक है, लेकिन एक कंफ्यूजन आप सबके दिमाग में चल रही होगी कि दीपावली कब मनाएं, 31 तारीख को या फिर 1 तारीख को। इस कंफ्यूजन के पीछे की वजह है सोशल मीडिया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या तमाम ऐसे दावे जिसमें ये बताया जा रहा है कि आपको कब दीपावली मनानी है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में मुहूर्त का, तिथि का बहुत महत्व होता है, तो ऐसे में आप सभी की कंफ्यूजन दूर करने के लिए हमारे साथ ज्योतिषाचार्य पवन पाठक जुड़ गए हैं, जो कि आज आपको बताएंगे कि आपको दीपावली का त्योहार कब, कैसे मनाना है और आखिर स्थिति का निर्धारण, पर्व का निर्धारण खासकर कैसे हुआ है। पवन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ। मैं चाहूंगी सबसे पहले आप दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताएं। मेघना जी धन्यवाद, और सभी जितने भी आपके प्रतिपक्ष संवाद के जितने भी दर्शक हैं, सभी को मेरा प्रणाम, साधुवाद। और बिल्कुल इस समय संशय की स्थिति बनी हुई है सबको मन में दीपावली पर्व को लेकर, उस पर हम संशय दूर करेंगे। और उससे पहले हम कुछ एक आपको एक बात बताना चाहेंगे। अप्रत्यक्षाणी शास्त्राणी विवादेस्तु केवलम प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्र आर्को यत्र साक्षिणो। विवाद वहाँ पर होता है जहाँ पर कोई प्रत्यक्ष नहीं है, और ज्योतिष तो ऐसा शास्त्र है जहाँ पर सूर्य और चंद्र खुद ही प्रत्यक्ष हैं, तो यहाँ विवाद होना ही नहीं चाहिए। बस जरूरत है हर चीज़ को समझने की, और इसको समझने के लिए हम इस पर चर्चा करेंगे। और जैसा आपने कहा, हम पंचांगकर्ता भी हैं, हमने पंचांग भी बनाए हैं, जिसमें शास्त्रीय परंपरा पद्धति से सिद्धांत दर्पण हमारा प्राचीन ग्रंथ है, सूर्य सिद्धांत हमारा प्राचीन ग्रंथ है, और उसके बाद जो आधुनिक आजकल पंचांग चल रहे हैं दृश्य पंचांग, उस पर भी हमने पंचांग का निर्माण किया है। और धर्मशास्त्रीय संगठनों में जिस भी प्रकार के यहाँ पर विवाद होते हैं, उस पर समावेश करके डेटाबेस इकट्ठा करके भगवान ईष्ट की कृपा से उस संगठनों में भी हम शामिल हैं, जहाँ पर जिस प्रकार का संशय आजकल समाज में बना हुआ है कि अलग अलग दो दो तीन तीन पर्व हो रहे हैं, उसमें उसका एकीकरण करके लिए प्रयास जो जारी है उसमें हम लगे हुए हैं। और बाकी जो आपका प्रश्न है, इस पर अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो आपका जो प्रश्न था दीपावली पर्व पर, इस पर ही आज हम विशेष चर्चा करते हैं, ताकि हम कहीं भटके नहीं और आपके जितने भी दर्शक हैं उनको बहुत ही स्पष्ट रूप से इसका उत्तर प्राप्त हो। पवन जी, शुरुआत करने से पहले मैं एक चीज दर्शकों को बताना चाहूंगी, क्योंकि बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में अलग अलग तिथि के बारे में बातचीत की जा रही है। कुछ ज्योतिषाचार्य या फिर जो ज्योतिषविद हैं, वो अलग अलग प्रमाण लेकर आ रहे हैं, अलग अलग दावे लेकर आ रहे हैं कि 31 तारीख को दीपावली मनाई जाए या फिर 1 नवंबर को। लेकिन आपके मुताबिक दीपावली की तारीख क्या है, और ये तिथि और पर्व निर्धारण का जो प्रमाण और दावा है, उसके पीछे की सच्चाई क्या है? मैं चाहती हूँ कुछ खबरों के साथ जो व्हाट्सएप ग्रुप्स में आ रही हैं, आप एक बार उसको डीकोड करें कि आखिर ये दावे और प्रमाण कहाँ से आ रहे हैं। बिल्कुल, आपको पहले मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा कि आपने मुझे बोला आपके मुताबिक, पहले ये मेरे मुताबिक नहीं है, ये जो शास्त्र के मुताबिक है, जो धर्म शास्त्र कहता है, क्योंकि हमें आज्ञा नहीं है हमारे मुताबिक बोलने का, हमें हमारा मत हम रख सकते हैं कि शास्त्र में क्या कहते हैं, हम बात करेंगे शास्त्र की। और शास्त्र मेरे पास धर्म सिंधु निर्णय संधु मेरे सामने पुस्तकें सारी, अगर आपके कैमरा देख सकते हैं, सूर्य सिद्धांत पुस्तक है, धर्म सिंधु निर्णय संधु, हमें हम बात करेंगे शास्त्र से। और कुछ हाँ व्हाट्सएप के हमारे पास भी आ रहे हैं, सबकी शंका समाधान कर रहे हैं। और सबसे पहले जो उसमें एक आ रहा है, दंडेक रजनी योगे दर्श स्तातु परेहनी, कि अगर आज बहुत से मत 31 अक्टूबर के हैं, बहुत से मत 1 नवंबर के, इस पर हम जितने भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज़ में जो चीज़ें चल रही है, इस पर आने से पहले पहले हम कुछ अव्ययों को समझ लेते हैं, ताकि आपके दर्शकों को आज स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाए कि निर्णय कैसे करते हैं, और वो खुद ही निर्णय करने लग जाएंगे इसके बाद। तो सबसे पहले पंचांग या पर्व निर्धारण के दो भाग होते हैं, एक है गणितीय भाग, एक है धर्मशास्त्रीय भाग। अब गणितीय भाग में क्या करते हैं, गणितीय भाग में काल विभाग किए जाते हैं। काल विभाग मतलब टाइम, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट, ये काल के विभाग हैं। तो पंचांग में क्या विभाग हैं, इसके विभाग हैं प्रातः काल, संगव काल, अपराहन काल, मध्याह्न काल, सूर्यास्त काल, प्रदोष काल, रजनी काल, निशीत काल, अरुणोदय काल, चंद्रोदय काल, ये काल हैं। इनका डिवाइडेशन कैसे होता है, जैसे सूर्योदय और सूर्यास्त, सनराइज एंड सनसेट, ये हमारा हो गया, इसके विभाग किए जाते हैं 15। और अर्ध विभागों में, अब मैं ज़्यादा जटिल विषयों में नहीं जाऊँगा, आपके दर्शकों को इतना पता हो जाएगा
कि समय का विभाजन कैसे किया जाता है और कितने प्रकार के समय होते हैं। तो हमने ये विभाग कर दिए, सूर्योदय, सूर्यास्त, मध्याह्न, प्रदोष काल, रजनी काल, रात्रि काल। अब आप देखेंगे बहुत से पर्व प्रातःकाल मनाए जाते हैं, बहुत से पर्व प्रदोष काल में मनाए जाते हैं, बहुत से पर्व जन्माष्टमी पर्व निशीत काल में, रात्रि काल में मनाए जाते हैं। बहुत से लोग चंद्रोदय, करवा चौथ का व्रत गया है, चंद्रोदय काल में मनाया जाता है। तो इस प्रकार हर पर्व का एक कर्म काल निर्धारित किया जाता है कि इस कर्म काल के लिए यह पर्व मान्य है। तो इस कर्म काल को गणितीय पद्धति से निकाला जाता है जिसके विभाग किए गए। तो अब हम बात करते हैं दीपावली पर्व। तो दीपावली पर्व का कर्म काल क्या है? जो सब जितने भी धर्मशास्त्र सब इस पंचांग करता है इससे सहमत है, इसका है प्रदोषे दीपदान लक्ष्मी पूजनादि विहितम, कि प्रदोष काल इसका समय है कर्म काल। तो प्रदोष काल हो गया। अब प्रदोष काल में, प्रदोष काल का समय क्या है? प्रदोष काल का समय होता है सनसेट से 6 मुहूर्त, 3 मुहूर्त मतलब 6 घटी, 1 घटी लगभग 24 मिनट की हो गई, तो 6 घटी 2 घंटा 24 मिनट इसका मध्यम मान है। सूर्यास्त सनसेट जहां भी आपके स्थान में हो उसके 2 घंटे 24 मिनट अगर आप जोड़ देंगे तो यह प्रदोष काल है। अब इस समय अगर दीपावली व्याप्त, अमावस्या व्याप्त है तो दीपावली का निर्णय उस दिन होता है। अब संशय की स्थिति उत्पन्न कैसे हुई? 31 अक्टूबर को तो जो प्रदोष काल है, जो कर्म काल है, इस समय पूर्णतः अमावस्या व्याप्त है, और जो अगले दिन है लगभग 45 मिनट इस प्रदोष काल में, जो 2 घंटा 24 मिनट का ड्यूरेशन है आपके सामने, सिर्फ इस समय है। तो संशय की स्थिति यहाँ उत्पन्न हो गई। अब इस संशय को दूर करने के लिए भी हमारे ग्रंथों ने लिखा हुआ, आप सोचिए कितने पौराणिक ग्रंथ है, इन्होंने इस संशय को दूर करने के लिए भी एक एक चीजें लिखी गई है। तो इसके लिए इन्होंने क्या लिखा है? तू पूर्वतयो व्याप्ति रेव पक्षे परत्र यामरात्र्याधिक व्याप्ति दर्शे दर्शे पेक्षा प्रतिवदा वृद्धि सत्वे लक्ष्मी पूजनादि किं परत्रेव युक्तम, कि अगर 2 दिन प्रदोष काल में अगर व्याप्त हो, 2 दिन पूर्णतः व्याप्त हो तो दूसरे दिन करनी चाहिए, लेकिन इस समय पूर्णतः नहीं है। अब यहाँ पर एक और चीज है जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चल रही है, अब हम उस पर आते हैं। वो बोले हैं दंडेक रजनी योगे दर्शे सातु परे हानि तदा विहा पूर्यदु परे सुक्रात्रि का, बिल्कुल सही श्लोक है। इसका अर्थ क्या होता है कि अगर अगले दिन एक दंड मतलब 24 मिनट का भी मिल जाए रात्रि में तो पर्व अगले दिन मनना चाहिए, अगर एक दंड भी मिल जाए। तो यहाँ पर कंफ्यूजन है कि श्लोक के निर्णय में। अब दिक्कत यहाँ पर आ गई कि इन्होंने लिखा है एक दंडेक रजनी योगे। अब जो रजनी शब्द है इससे कंफ्यूजन उत्पन्न हो गया है। बहुत से पंचांगकर्ताओं ने रजनी को ले लिया सूर्यास्त के बाद सीधे रजनी, कि सूर्यास्त के तुरंत बाद रजनी काल प्रारंभ हो जाता है, लेकिन जैसा मैंने आपको सर्वप्रथम पहले ही बता दिया रजनी काल का प्रारंभ होता है सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल, 2.5 घंटे प्रदोष काल के बाद जो 3 याम है रजनी काल। अब आप खुद बताइए इवनिंग और नाइट में तो डिफरेंस होना चाहिए, तो वही है रजनी के पर्यायवाची होते रजनी। अब धर्म सिंधु का उदाहरण दे रहे हैं, धर्म सिंधु में लिखा हुआ है तत्र सूर्योदय व्याप्तोत्तरम घटिकाधिक रात्रि व्यापनी दर्शे सती न संदेह, कि सूर्योदय से सूर्यास्त के उपरांत रात्रि में अगर एक घटी भी हो तो रात्रि काल कब होगा? प्रदोष के बाद, ना कि प्रदोष में। अब जो है प्रदोष में 48 मिनट है तो बोले 24 मिनट तो है, लेकिन प्रदोष के समय की तो बात ही नहीं की जा रही। जितने भी यूनिवर्सिटीज में श्लोक वो सही लिख रहे हैं, संस्कृत का श्लोक बिल्कुल सही कोट कर रहे हैं, लेकिन जो उसका हिंदी अनुवाद है रजनी की परिभाषा उन्होंने सूर्यास्त के बाद से ही ले ली है, लेकिन जितने भी हमारे प्रमाणिक ग्रंथ हैं सब में रजनी की परिभाषा जो हमने काल विभाग किए हैं वो काल विभाग रजनी के जो हमने बताया आपको 3 याम के बाद होते हैं, यह इसका निर्णय है। कि इसके आधार पर अभी हमने कैथल में एक सभा हुई थी जिसमें संयोजक डॉक्टर नरेश शर्मा जी, वहाँ के जो संस्कृत वाल्मीकि विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष हैं वो थे, BHU के जो काशी विद्युत परिषद के हैं प्रोफेसर विनय शंकर पांडे जी थे, और काफ़ी डॉक्टर अमित मिश्रा जी हैं जो बहुत ही अच्छे गणितकर्ता हैं और आगे आने वाले समय में बहुत अच्छा कार्य वो कर रहे हैं। इन सब ने और बड़े बड़े विद्वत पूरे भारत के 14 राज्यों के विद्वान जन थे संस्कृत विश्वविद्यालय के, सब ने सर्वसम्मति से इस पर निर्णय किया 31 अक्टूबर में, और जो संशय का कारण यही था। एक यूनिवर्सिटी में एक और बात चल रही है स्वाति नक्षत्र की, स्वाति नक्षत्र तो 1 तारीख को पड़ रहा है तो बहुत अच्छा है। अब मैं आपसे समझूंगा, आपसे ही मेरा प्रश्न रहेगा कि आपका जन्मदिन 31 अक्टूबर को आता है, आपकी तिथि 31 अक्टूबर को पड़ रही है, और यह है कि अगर जिस दिन रविवार हो उस दिन आपका बर्थडे अच्छा है ये लिखा है, तो 31 अक्टूबर है शनिवार, 1 अक्टूबर को अगर 1 नवंबर को रविवार है तो आप जन्मदिन 1 को मनाएंगे 31 को मनाएंगे? जन्मदिन तो मिलेगा ना, वो तो अच्छा है, अगर रविवार पड़ जाए तो अच्छा है, वैसे ही स्वाति नक्षत्र आ गया है तो अच्छा है प्रशस्त, लेकिन उसके हम निर्णायक चीजों को नहीं छोड़ सकते। तो जो शास्त्रों में लिखा है कि अगर वो नक्षत्र पड़ जाए तो प्रशस्त है, अच्छा है, ये हर पंचांग करता सहमत है, लेकिन
कुछ लोग ऐसे हैं जिनको गणित का और धर्मशास्त्र का ज्ञान नहीं है, वो बीच में आजकल सोशल मीडिया में बातें चल रही है उससे है, लेकिन हम सब पंचांगकर्ताओं का सबका अभिनंदन करते हैं, सबका सम्मान करते हैं, क्योंकि उनके कारण ही आज ये चर्चा हो रही है और ये चर्चा बहुत आवश्यक है, ताकि हर और हम लोग देवभूमि से आते हैं और देवभूमि में हर व्यक्ति को, और पहले तो ज्योतिष ऐसा था कि सब लोगों को रास्ता, ज्योतिष का अर्थ यही है जो रास्ता दिखाए, जो प्रकाश दे, ईश्वर की ज्योति सबको प्रकाश दे, और देवभूमि के हर व्यक्ति को आज हम चर्चा हो रही है, तो इस प्रकार का ज्ञान आपके माध्यम से, प्रतिपक्ष संवाद के माध्यम से सब लोगों को, काल विभाग की आज हमने चर्चा करी, कितने प्रकार के विभाग होते हैं, किस प्रकार पर्व का निर्णय किया जाता है, अब इस निर्णय में पंचांगकर्ता धर्मशास्त्र सब लोग मिलकर आए और निर्णय करें, और वो 31 अक्टूबर ही शास्त्र सम्मत आएगा, ये हमारा मत है, और बिल्कुल शास्त्र में जो लिखा है उसी के आधार पर हम आपको बता रहे हैं। बिल्कुल पवन जी, देखिए होता ऐसा है कि दीपावली के लोग पहले छुट्टी लेते हैं, तैयारी करते हैं, एक बहुत बड़ा त्यौहार है ये भारत वर्ष के लिए, हिंदुओं के लिए, हिंदू धर्म के लिए एक ऐसा त्यौहार जब सुख समृद्धि की कामना की जाती है, तो जाहिर तौर पर लोगों के मन में संशय की स्थिति है कि हम छुट्टी किस दिन के लें, हम किस मुहूर्त में पूजा करें, इसीलिए हम मुहूर्त में आएंगे, क्योंकि मेरे खुद के घर में, क्योंकि प्रतिपक्ष संवाद के जो दर्शक हैं उनके घर में दीपावली का त्यौहार मनाया जाएगा, ऐसे ही मेरे घर में भी मनाया जाता है, और मैंने भी जो छुट्टी है वो 31 अक्टूबर के लिए रखी है। लेकिन जो मेरी माता जी हैं उनके मन में एक सवाल था, और मुझे लगता है बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके मन में यह सवाल होगा कि अब दीपावली अगर 31 अक्टूबर को मनाई जा रही है तो शुभ मुहूर्त कौन सा है, माँ लक्ष्मी की हम पूजा कब कर सकते हैं, कब हम लोग जो शाम की पूजा होती है वो कर सकते हैं, दीपावली के और जो रिचुअल्स होते हैं उसके लिए मुहूर्त क्या है, तो मुहूर्त पर एक बार प्रकाश डाल दीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, और मुहूर्त के बारे में बहुत अच्छा श्लोक आता है, अतीता नागते दाले कान होम भूता गीतम ऊषरे वापितम बीजम तद भवितम निष्फलम, कि अगर जो बंजर भूमि होती है उसमें आप अच्छे क्वालिटी का बीज भी डालेंगे तो फल उत्पन्न नहीं होता है, तो उसी प्रकार जब अगर गलत समय में आप कुछ अच्छा भी कार्य करेंगे ना तो उसका फल प्राप्त नहीं होता, इसलिए अच्छा समय, इसी के लिए मुहूर्त का निर्माण हमारे आचार्यों ने हमें बताया है। तो जब लक्ष्मी जी की पूजन है, लक्ष्मी जी का पूजन स्त्री लग्न में किया जाता है, वृष लग्न और सिंह लग्न में महालक्ष्मी जी की पूजन होता है, ताकि आपके पास जो लक्ष्मी है चिरकाल तक संरक्षित रहे, तो यह लगभग 6 बीज से 8 के बीच में आपको प्राप्त होगा, और ये समय 31 अक्टूबर को आपको प्राप्त हो रहा है, उसके बाद रात्रि में भी सिंह लग्न है, तो शाम के समय आप लक्ष्मी जी का पूजन कर सकते हैं, और जिस प्रकार हमारे तो उत्तराखंड की परंपरा है कि आप जो गेरुआ होता है, जो मिट्टी का गेरुआ, उसमें चावल का बिस्वार, उसके साथ आप अर्पण दीजिए, क्यों, क्योंकि जो मिट्टी होती है, मिट्टी का तो पूजन होता है, पृथ्वी तत्व उसके अंदर है, और जो चावल है, चावल के अंदर जल तत्व भी अधिक मात्रा में होता है, ये जल्दी अभिमंत्रित हो जाते हैं, और जब लक्ष्मी माता रात्रि में आश्रय देखती है तो वो उस घर में जाती है जहाँ पर वो देखती है कि जहाँ पर उनको एक अपील और एक भाव प्रकट होता है, जहाँ पर आप हाथों से मेहनत के द्वारा आप ये बनाते हैं, तो बहुत चिरकाल तक लक्ष्मी संरक्षित रहती है और आपके घर में आश्रय लेती है। तो इस बार का जो मुहूर्त मैंने आपको बताया, संध्या काल में लक्ष्मी पूजन का 6 बीज से 8 के बीच में आप लोग कर सकते हैं पूजन, पूरे भाव के साथ आप यथाशक्ति पूजन कीजिए, घर में अच्छे से आप साज सज्जा कीजिए, स्वच्छता कीजिए, स्वच्छ कपड़े पहनिए, साफ सुथरे कपड़े पहनिए, और जितना भी आपका धन भाव और मन में जो भी आपकी अभिलाषा लेकर माँ लक्ष्मी जी का आप पूजन अर्चन कीजिए, सारी मनोकामना मनोरथ आपके सभी दर्शकों की पूर्ण हो, यही मेरी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन आगे हम इस डिस्कशन को ज्यादा लंबा नहीं रखेंगे, मैं चाहती थी कि हमारे दर्शकों को जवाब मिल जाए कि आखिर कब दीपावली मनानी है, लेकिन जानने से पहले मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात जानना चाहूंगी, हमें सब ये बताते हैं कि दीपावली के दिन क्या करना चाहिए, लेकिन बहुत कम लोग बताते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए, तो जाने से पहले जल्दी से आप ये बता दीजिए हमारे दर्शकों को कि आखिर उन्हें क्या नहीं करना है, जिससे जो माँ लक्ष्मी है वो अप्रसन्न ना हो, खुश रहें और भक्तों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। देखिए, इसके लिए मैं आपको बहुत अच्छी बात बताऊंगा, और उत्तराखंड तो हमेशा इसमें अग्रणी रहे, आप अगर आपको पता होगा उत्तराखंड में हम गन्ने की लक्ष्मी मनाते हैं, गन्ने आप देखा होगा, गन्ने की लक्ष्मी अधिकांश घरों में बनती है, गन्ने की लक्ष्मी एक तो पुरानी कथा भी है, अभी कथा में आएंगे तो हम एक लंबा समय निकल जाएगा, मैं आपको उसका वैज्ञानिक एनालॉजी बताता हूँ, गन्ने की लक्ष्मी क्यों बनाई जाती है। देखो, गन्ना एक मीठा रस है, ठीक है, एक उसमें संपन्नता है, उससे आप देखिए शक्कर गुड़ एक संपन्नता का प्रतीक है, और आपको मधुरता रखनी है अपने व्यवहार में, आपको एक रस लेके आना है जो मधुर हो, जो संपन्नता हो, इसलिए घर में कलेश नहीं करना है, कटु वचन आपको नहीं बोलने हैं, और केवल जो वृद्ध हैं, बच्चे हैं और रोगी हैं, इनको छोड़कर एक इसमें अगर आप दिन भर उपवास करेंगे और शाम को प्रदोष में जो नक्त व्रत जिसको कहा गया है, अगर आप दिन भर करते हैं और रात्रि में आप अच्छे से पारण करते हैं, दिन भर सात्विकता आप ग्रहण कीजिए, किसी भी प्रकार के तामसिक चीज़ों का ग्रहण आप न कीजिए, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, माँ लक्ष्मी उससे प्रसन्न रहती है। सर्वप्रथम सबसे बड़ी बात है, अशब्द गलत सोच, किसी से कटुता कलेश
किसी भी प्रकार का इस दिन आप बिल्कुल ना करें, नहीं तो लक्ष्मी वहाँ पर आश्रय नहीं लेती है। वो ये बहुत अच्छा दिन है जिस दिन लक्ष्मी माँ आश्रय देखती है, तो उस दिन सकारात्मक ऊर्जा और एक जो जिस प्रकार गन्ने में जो एक क्वालिटीज होती है रस, मीठा रस, संपन्नता वाला, वही भाव आपको रखना है। मैंने आपको बस संक्षिप्त रूप में आपको समझाया है, आप लोग खुद ही निकाल सकते हैं किस प्रकार को आपको अपना आचार और व्यवहार को रखना है। पवन जी धन्यवाद जुड़ने के लिए हमारे साथ। उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप बने रहेंगे और लोगों के सवालों का जवाब देते रहेंगे, शास्त्रों से जुड़े प्रमाण और जो दावे हैं उन पर भी हम बात लगातार आपसे करते रहेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मेघना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को धन्यवाद, शुभकामनाएं।